धड़कने जिनसे बंधी है उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे निकाल उसको बाहर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। हमने उनके लिए मोबाइल खरीदा है और बड़ी महंगी घड़ी भी खरीदी है। जी वो जाहिल इन चीजों की कदर क्या जाने। निकाल बेजा जिद कर रहा है। रूबा का उसे बहुत ख्याल है। आखिर तुम्हारी उरुबा के साथ क्या दुश्मनी है? वो एक बेजरा सी लड़की है, तुम क्यों उससे खौफजदा हो? जबरदस्त भाई, क्या माइंड ब्लोइंग हवेली है दादी। बहुत ही अच्छी और कितनी बड़ी है ना। बहुत बड़ी है माशाल्लाह। अंदर चलें। चले 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 आ जाए दादी। और तो देखता जा मैं उस कमीने का क्या हशर करता हूँ। हाँ हाँ बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है इलेक्शन सर पर है, वरना कब का जिबा कर डालता साले को। चल फिर भी ध्यान रख। हाँ हाँ खबर देते रहना मुझे। चौधरी साहब वो बहू रानी के शहर से नाना नानी आए हैं। क्या फिर दोबारा आ गए? वो 2 माह 7 दिन बाद आए हैं। वाह बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है तूने। और मैंने तुझे पहले भी कहा था मुझे ये रिश्तेदारों का यूं आना जाना पसंद नहीं है। जी वो अब तो आ गए हैं ना, आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहे। आ जाते हैं मुफ्ते मुंह उठा के। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरुबा कहाँ है? वो अंदर कमरे में आती होगी। नाना अबू। मेरा बेटा पीते रहो मेरी बेटी। नाना बू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानी अम्मा। अरे मेरी गुड़िया मेरी शहजादी कैसी है मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी अम्मा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। मिकी तुम कब आए? आराम से जस्ट रिलैक्स, सांस ले लो, सब बताता हूँ। ये लड़का कौन है? तारुफ नहीं कराया बुजुर्गो। ये मेरा छोटा पोता है मिकाल खालिद, और मिकी ये कमाल साहब है अरुबा के शौहर। वाह लकी गाय। बैठे 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 आप लोग भी बैठे बैठे बैठो, तुम भी बैठो बैठो बैठो। बुजुर्गो आपने मेरा पूरा तारुफ नहीं करवाया, मैं मुस्तकबिल का बनने वाला MNA भी हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। रुबा जाओ जाके खाने का इंतजाम करो।
अब आप लोग अगर बता के आते तो आप लोगों का बड़ा शानदार इस्तकबाल होता। पूरा पिंड, पूरे पिंड में हमारा रोब चलता है, जो दिल चाहे हम कर सकते हैं। अब बिन बुलाए मेहमान तो घाटे का ही सौदा। जाओ खाने का इंतजाम करो। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और बुजुर्गों ये बताएं कि आपका कोई सियासत में दिलचस्पी है? अरे बेटा कहाँ खाने पीने के चक्कर में पड़ गई, हम सब खा पी के आए, चलो सब मिलके बैठ के बातें करते हैं। पर नानी अम्मा निकी तो पहली बार आया है ना। अरे मेरी जान वो तुमसे ही तो मिलने आया है, चलो आओ बातें करते हैं। बुजुर्गो सियासत के रंग बड़े निराले होते हैं, आपने फिक्र नहीं करनी, जो भी काम हो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का बनने वाला है मैंने। वो कमाल भाई ये आपके लिए फोन लेकर आया था। कौन से मॉडल का? वैसे मेरे पास तो टच स्क्रीन मोबाइल है, हर महीने में नया मोबाइल। क्या बात है जनाब, आप तो मुस्तकबिल के नए एमएनए बनने वाले हैं ना। अब वो ये घड़ी भी लाया था, ये लेटेस्ट मॉडल की। वैसे काफी भारी लग रही है, वैसे आजकल घड़ियां पहनने का रिवाज खत्म होता जा रहा है, लोग मोबाइलों में टाइम देख लेते हैं। और ये रूबा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, इसमें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वाह वाह वाह, आप लोग इतनी दूर से बेटी से मिलने आए हैं और ये टॉफियां और गोलियां लेकर आए हैं उसके लिए। अरे हमारे पिंड में जब लोग अपनी बेटियों से मिलने आते हैं तो बड़े बड़े फलों के टोकरे लेकर आते हैं, मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे लाते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैके से लोग बेटी से मिलने के लिए आए। खैर चले कोई बात नहीं, टॉफियां आप लाए हैं तो नौकरों में बांट दें। बांट कफूर खाना लगाओ, मेहमान आए। रूबा कहां चली गई? बड़े दांत निकल रहे थे तेरे, बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी उल्लू के पट्टे के साथ। कौन खोल कर सुन ले, नाना को भी बता देना आइंदा किसी पोते या नवासे को यहाँ लेकर मत आए, और तू भी उन लोगों के सामने नहीं जाएगी। प्लीज आहिस्ता आहिस्ता की बच्ची। मगर वो मेरा कजिन है, बहुत दूर लंदन से आया है, मेरा यकीन करे मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। बड़ी मासूम शक्ल है, लेकिन इस मासूमियत के पीछे बहुत कुछ छुपा रखा है तूने। मेरी बात साफ साफ सुन ले, उन लोगों को खाना खिलाओ, चलता कर यहां से। अपने नाना को कह देना आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहां आने की गलती ना करें, घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सारी कजन बाजियां समझता हूं मैं, कजन के साथ ही बदनाम हुई थी ना तू, और ये दूसरा आ गया। तुझे फिर भी नहीं आई, गर्दन तार दूंगा तेरी, तेरे नाना की तरह बेगैरत नहीं हूं। बेटा तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे इस तरह से अचानक वापस आने से मैं बहुत परेशान हूं। कमाल ने तुम्हें कुछ कहा? दादी अम्मा आप लोग ने अरूबा के साथ अच्छा नहीं किया, आप सबने मिलके उसे कुएं में धकेल दिया। क्या करें बेटा उसकी किस्मत। और तुम्हारी माँ की तदबीर, उसने हमसे पूछे बगैर अरूबा के ताया को कह दिया कि उसकी शादी कर दे, और उस जाहिल ने बरसों पुराना बदला चुकाया है। मामा को अरूबा से क्या प्रॉब्लम थी? ये तो तुम अपने मामा से ही पूछना।
मेरी बात साफ साफ सुन ले, हम लोग खाना खिलाओ और चलता कर यहां से। अपने नाना को कह देना आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहां आने की गलती ना करें। मुझे अरूबा के लिए कुछ करना होगा। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? सोचा था तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो आराम मिलेगा, मगर किस्मत का किसको इल्म होता है। नाजिया के लिए रिश्ते देखती हूँ तो तुम्हारी शक्ल सामने आ जाती है। तुमने वकास जैसे हीरे की कदर नहीं की। हीरा? अब आपको वो हीरा लगता है? पहले तो आप उसे कोयला समझती थी। तुमने अकलमंदी नहीं दिखाई फाजिया। अगर वो कोयला था तो उसकी कालक मुंह पे मलने की क्या जरूरत थी। वकास की जान रजिया में थी, रजिया को मुट्ठी में कर लेती, मगर तुमने तुमने तो तोते की गर्दन ही मरोड़ दी। मुझसे दूसरों की चापलूसी और खिदमत नहीं होती अम्मी। मियाँ तो मियाँ, उसकी माँ की भी चाकरी करूं? मैं कुछ भी कर लेती ना तो वकास मेरा नहीं बन सकता था। और अब क्या करोगी? सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहोगी? मैं आपको बोझ लगती हूँ? कमाती हूँ मैं। कमाई का ताना मत देना मुझे। तुम्हारी इसी अकड़ और जोर ने तुम्हें मुंह के बल गिराया है। वो तो हम जिंदा हैं जो तुम महफूज हो। सारी उम्र का टिकट कटवा कर नहीं आए हम। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। वैसे मैं मिक्की का झुकाव नाजिया की तरफ महसूस कर रही हूं। दोनों में दोस्ती भी बहुत है। दोस्ती करना अमीरजादों का काम होता है अम्मी। उनके हंसने मुस्कुराने पे ना जाए और महज मीठे दो बोल बोलने से जिंदगी भर के लिए कोई हाथ नहीं थामता। मगर मिक्की दानियाल के जैसा नहीं है। है तो अलवीना आंटी का बेटा ना, क्या वो मान जाएगी? तो अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? मैं सिर्फ इस ज्यादती की वजह जानना चाहता हूं। आपने अरूबा के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? एहसान माने वो मेरा कि उसे उम्र भर के धक्कों और बदनामी से मैंने बचा लिया, वरना उस जैसे कैरेक्टर की लड़की को तो किसी ने मुंह भी नहीं लगाना था। वो एक साजिश थी, झूठ था। आमिर किस कैटेगरी का लड़का ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद आपने अरूबा को गुनाहगार मान लिया, और वो जो जन्नत आपने उसके लिए सेलेक्ट की है ना, वो बदतरीन जहन्नुम है। वहां उसकी इज्जत और नफ्स को पांव तले रौंदा जाता है जिल्लत और अजियत के साथ। मुझे बहुत दुख है, आप जैसी आला तालीम याफ्ता सोशल लिबरल और ब्रॉड माइंडेड औरत अपनी ही बिरादरी के खिलाफ इतनी नफरत। तुम नहीं जानते उन लड़कियों को। पहले फौजिया दानियाल के पीछे पड़ी थी और अब नाजिया तुम पर। फॉर गॉड्स सेक मॉम, ऐसी गलत बातें ना करें। मैं और नाजिया सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ना उसके जहन में और ना मेरे। ऐसी गलत बात आ ही नहीं सकती। गलत नहीं सोच सकती। तुम्हारे दादा दादी रूबा के लिए दानियाल का रिश्ता चाहते थे क्या? माय गॉड, इसीलिए आपने दानियाल भाई की शादी करा के उनको बाहर भेज दिया। आपको क्या लगता है वो बहुत खुश है बाहर? भूल है आपकी, सोमी भाभी ने उनकी जिंदगी अजीरन करके रखी है, और हो सकता है बहुत जल्द आपको अपने इस डिसीजन पर पछतावा होगा मॉम। ये क्या कह गया है ये? मेरी बात साफ साफ सुन ले, हम लोग खाना खिलाओ और चलता कर यहां से। अपने नाना को कह देना आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहां आने की गलती ना करें, घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सारी कजन बाजियां समझता हूं मैं,
कजन के साथ ही बदनाम हुई थी ना तू, और ये दूसरा आ गया। अकल तुझे फिर भी नहीं आई? तुम पहली बार आए हो मिक्की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, पापा की कॉल आई थी, उनको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो मुझे जाना होगा। फिर कभी से तुम आना ना घर। तुम खुश नहीं हो अरूबा? नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जानता हूँ, जब तुम खुद को खुश जाहिर करने की कोशिश करती थी ना, तो इन आंखों में आंसू भर आते थे। अब फिर लाख कोशिश करने के बावजूद सारे के सारे आंसू बह जाते थे। तुम अपनी आदत भूल गई हो रूबा, झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन चौधरी कमाल नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी ना, तो वह हम दोनों को मार डालेगा, खत्म कर देगा वो हमें। उस पेंडू की ये जरूरत? मुझे बुजदिल समझ रखा है क्या? ऐसे ही समझता है वो तुम्हें। वो कहता है चुटकी में मसल दूंगा। मैं उसे जूतों के नीचे कुचल दूंगा। मैं सबके, मैं कुर्बान। मुझे पता था मेरा आमिर इतना ही हिम्मत वाला है। अब मैं उस पेंडू की धमकियों में नहीं आने वाली। मैं उसे कह दूंगी कि मेरा आमिर बुजदिल नहीं है। चलो, अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो प्लीज मेरी एक बात मान लो। क्या? चौधरी कमाल का काटा पेट से निकाल दो, रास्ता साफ कर दो। मतलब तुम समझ चुके हो, तो अमल कर डालो। जो पहल करेगा वो ही जीत जाएगा। लेकिन मनाज, कत्ल? देखो, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा, और तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। देखती जाओ, मैं उन दोनों को एक तीर से दो शिकार कैसे करती हूँ। पागल हो गई हो? बहुत खतरनाक खेल है ये। परवाह नहीं, ब्यूरोक्रेट के साथ रहते हुए इतना तो मैं सीख ही गई हूँ कि अपना रास्ता कैसे साफ किया जाता है। और अगर तुम खुद ही फंस गई तो? नामुमकिन, मैं इतनी चलाकी से खेलूंगी कि हार का तो चांस ही नहीं रहेगा। जो तुम्हारी मर्जी, मगर एहतियात से, कभी कभी दुश्मन की तोपों का रुख अपनी जाने भी मुड़ जाता है। देखा जाएगा। पहले मैं उन दोनों को तो रास्ते से हटा दूं। जंगली बिल्ली जो ठहरी। उसका इरादा मेरे घर में आके रहने का है तो मैं मजीद किसी और को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिक्की की वजह से मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मेरा घर कोई फलाही मरकज नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने से पहले ये बात ज़हन में रखना। महना सिर्फ मेरी है, अगर इसकी तरफ देखा ना तो मैं पिस्तौल अंदर रखो कमाल। धड़कने
जिनसे बंधे।